जैसे तुम अपने गर्लफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड को शेरो शायरी सुनाते हो, ये तुम्हारे लिए किताब है कि तुम हो तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है, और तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। सच्चा प्रेम करिए अपनी किताबों से। और किताबों से नाता जोड़ लो, एक रिश्ता बना लो। और किताबों से ये रिश्ता मत बनाओ कि जिस दिन नौकरी लगी तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। बुक्स के साथ में ईमानदारी रखो, ईमानदारी से मोहब्बत करो उसे, और बुक्स को ये एहसास दिलाओ कि देखो तुम है हो तो जीवन है। जैसे तुम अपने गर्लफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड को शेरो शायरी सुनाते हो, ये तुम्हारे लिए किताब है कि तुम हो तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है हमारे पास, और तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। सच्चा प्रेम करिए अपनी किताबों से। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जमाना नहीं है, ना भरोसा है, लेकिन किताबें बहुत ईमानदार है। अगर तुमने इनसे मोहब्बत की और इनसे प्यार की तो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। ये मत सोचो कि जिस दिन नौकरी लगी इन्हें पैक कर दूंगा, नहीं, इनके साथ धोखा है। फिर ये कहूंगी जब तक ये सांसें हैं ना तब तक तुम साथ हो, क्योंकि तुम्हें जीवन में जो मान सम्मान, जो भी तुम्हें शायद गलत फहमी में व्यक्ति चला जाता है कि उसे मान सम्मान उसकी वजह से नहीं, उसे मान सम्मान, धन दौलत, सुख सुविधाएं अगर किसी ने दी है तो वो किताबें हैं, वो किताबों ने दी है। आप लोग नेता तो हो नहीं कि चुनाव लड़ा और जीते और लूट लिया। आप लोग जॉब जो पाएंगे, अपने माता पिता के लाइफ स्टाइल में सुधार कर पाएंगे, तो मैं कह रहा हूं तुम्हें तो ये इनकी पूजा करनी चाहिए, जीवन भर पूजा करनी चाहिए। अगर ये नहीं होती तो तुम लोगों की क्या हालत होती। तो इनसे शॉर्ट ड्यूरेशन वाली मोहब्बत मत कीजिए, इनसे जीवन भर के लिए नाता जोड़िए, जीवन भर मोहब्बत कीजिए किताबों से। और जब भी ये दिखे तो अंदर से खुशी आ जाए कि हमारे जीवन बदलने के लिए यही था। तुम लोग उल्टा सोच के चलते हो इसलिए ये तुम्हारे साथ बेवफाई कर जाती है। क्या बोलते हो, अभी पढ़ रहा हूं, जिस दिन नौकरी लगी तुझे हाथ में नहीं लगाऊंगा। अबे जब तुम पहले ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए ईमानदार किताबें क्यों रहे? तुम तो इनसे बेवफाई करने की बात कर रहे हो, उन्हीं के सामने बेवफाई की बात कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ रहे क्यों, ईमानदारी क्यों दिखाए तुम्हें? इसलिए लाइफ में अगर किसी की इच्छा है, रियल में किसी की इच्छा है कि कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, हमेशा बढ़ते हुए जाना है, तो किताबों से सच्ची मोहब्बत करनी शुरू कर दो, ना तुम्हारी लाइफ बदल दे। लेकिन आज गुरुजी ने कहा तो आज जाएंगे जिल्द भी चढ़ाएंगे इस पे, अजीब वाह। लेकिन दिल में खोट है, ये तो गुरुजी ने कह दिया इसलिए एक्टिंग कर रहा हूं मैं, नहीं तो मैं, तुमने मशीन ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं तुम्हें हाथ भी ना लगाऊं। मैं रियली बता रहा हूं तुम्हें ना, इनसे ज्यादा मैं तो इसलिए भगवान का धन्यवाद बोलता हूं कि इस फील्ड में हूं, इसीलिए मेरे घर के हर कोने में किताब मिलेंगे तुम्हें, क्यों किताबें इतनी सारी है। और ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत पुरानी जो किताबें हैं, बहुत पुराने जो नोट्स हैं, वो भी प्रॉपर संभाल के रखे हुए। कई बार लेकर भी आता हूँ क्लास में, जब कुछ पुराने टाइम के न्यूमेरिकल कराने होते हैं, तो हर एक कोने में किताब है। और हमारे घर के एक एक सदस्य को ये पता है कि जो कुछ है हम लोग किताब की वजह से है, इन किताबों की वजह से है। जो हमारा सोफा मिलेगा उस पर किताबें मिलेंगी, टीवी का रैक मिलेगा किताबें मिलेगी। ऐसा कोई जगह नहीं है, तेजस की अलमीरा मिलेगी
उसमें मेरी किताबें रखी हुई है। मेरी क्या किताबें सभी की है, जो मर्जी पढ़ ले। यहाँ तक कि कभी कभी तो ये होता है, तुम्हें बता दूँ नहीं रखना चाहिए लेकिन भूल जाता हूँ। जैसे मैं कहीं भी बैठ के पढ़ रहा होता हूँ तो कभी कभी तो हालत ये है कि डाइनिंग पे किताबें मिलेंगी, पढ़ता हूँ अपना बंद करिए और रख दिया। उस स्टूडियो में जाएंगे पूरे में किताबें हैं, तो उनको छोड़ा नहीं है, उनका साथ रखा है। और वो अब किताबों को समझ आ गया, किताबों को एक भरोसा हो गया कि इस व्यक्ति के जीवन में हमें पूरा जीवन भर सम्मान मिलने वाला है, तो किताबों ने फिर हमें सम्मान देना शुरू कर दिया।